हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से COVID-19 लॉकडाउन की वजह से आपसे ज़्यादा वीडियोस जो है आप लोगों के लिए नहीं बना पाया और ना ही दिखा सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और उम्मीद है कि आप भी जहाँ भी होंगे और जहाँ से भी आप वीडियो ये देख रहे हैं, आप सेफ होंगे। आज काफ़ी एक 3 महीने के कोविड के लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा मूड को रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए आज सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आए चले मेरे साथ और देखते हैं आगे की स्टोरी। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आउटिंग पे आपको लेके चलते हैं साथ, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। लाला भाई, आप आज क्या बना रहे हैं? बस आज ये मटन बना रहे हैं। मेहताब भाई की दावत है सब दोस्तों की, सब दोस्त आज विजय के साथ हैं। बहुत अच्छे के बाद कोरोना के बाद आज मिले, ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। खाने के बाद पता चला। अच्छा लाला भाई, इसमें भी आपने सबसे पहले क्या डाला? प्याज डालें, ऑयल डालें थोड़ा सा, और प्याज डालें, और प्याज डालें। ये लाइट जब प्याज हो जाएगा, इसके साथ हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें। अच्छा, उसको हल्का सा ब्राउन करके फिर साथ हमने मटन डाल दें। अच्छा, मटन को डाल के फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के हमने दम पे रख दें, जब ये गल जाएगा फिर उसके साथ हम लोगों ने मसाले भी डालने हैं, टमाटर वगैरह भी डालने हैं, दही भी डाल लें, उसके बाद इसको भूनेंगे। ले यार, ये हमारे दोस्त हैं शाहिद भाई, आप लोग इनसे पहले भी मिल चुके हैं वीडियोस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको दिखाएंगे आउटिंग का आज प्रोग्राम बनाया, तो ये ओपन एयर में आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। बाकी मजीद शाहिद भाई बताएंगे आपको। शाहिद भाई ज़रा बताएं मौसम कैसा है और आउटिंग का क्या हिसाब। बहुत प्यारा है और बड़ी प्यारी जगह है, खुली हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और मेहताब भाई ने खसूसी दावत प्रोग्राम हमारे को दावत दी है, और यहाँ पे मटन बनाने की तैयारी हो रही है और सब साथी साथ हैं। माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ। जैसा कि आपको आप दोस्तों को बताया था कि आज आउटिंग का प्रोग्राम बना हुआ है, लॉकडाउन 3 महीने से चल रहा है और पब्लिक सारी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, पाकिस्तानी पब्लिक सारी। तो आज सोचा कि आउटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा टाइम जो है वो गुजारें दोस्तों के साथ। माशाल्लाह बहुत। ये मेहताब भाई हैं, ये नासिर हैं, और कुछ वो दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, और मौसम बड़ा प्यारा है, और ये गोश्त जगह भी बहुत प्यारी। अभी ये गोश्त जो है ये सूली चढ़ने के लिए तैयार है। ये भी आप देखेंगे कैसे सूली चढ़ रही है, ज़रा चढ़ाएँ। अच्छा मेहताब भाई, पिछले प्रोग्राम की निस्बत ये प्रोग्राम थोड़ा मुझे जल्दी पाया तकमील तक पहुँचते हुए नजर आ रहा है। जल्दी अच्छा इल्ज़ाम ये कि मैं घर से खा के आ गया हूँ। अच्छा इल्ज़ाम ये कि मैं घर से खा के आ गया हूँ। ये आज की आउटिंग का सारा क्रेडिट जो है ये मेहताब भाई को जाता है। मोहसिन भाई, जरा अंजुम भाई का आप अपने अल्फाज में इंट्रोडक्शन करवाएं। हम यहाँ पर एक पिकनिक मना रहे हैं सब दोस्तों के साथ, आउटिंग। और हमारे दोस्तों में जो है ये एक राजा अंजुम शहजाद जंजुआ साहब फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चकवाल, रेलवे पुलिस के जवान हैं ये, और ये जो है हम इस पूरी पिकनिक की जो है जान हैं। इनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि ये जो है हमें एक बेहतरीन सा कोई भी एक गीत सुनाएं, हस्बे मंशा दिल में आए वो अच्छा सा हमें गा के सुनाएं, और हमारे नाज़रीन को भी, और हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे जो है बहुत से लाइक्स भी और कमेंट्स भी। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो भी और ना पसंद आए तो भी। प्लीज़ अंजुम भाई, प्लीज़ 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 हमारे नाज़रीन को आप अपने मदद में एक पंजाबी गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आता वादा कुछ नहीं है मुझे, लेकिन ये सब इशार कर रहे हैं दोस्त हैं। वे तू जदाड़े दा मैं कूं रुसिया, वे मैं हार सिंगार करें दी ना,
वे मेरे ते कोठे पेंदी ना गुड़िया दादा जबड़ेंदी ना। कई बार सहेलियां घर आयन रल सखियां देखे डन में दीना, तू चमन जे ईद ते नहीं आया इस वास्ते मैं दिया लेंदीन। हो चन चढ़े अर्ज विदाए, हो चन चढ़े अर्ज विदाए, ओ की तारीफ करा हो माया सोना गजबदाई। हाय छोड़ रोसेवे यूं लोगों के लिए, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किसे नाले रुसड़ा के माया, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किस नल रुसड़ा के माया। हो मैं इत्ते ते ढोल चक्की वाले मेरे माये दे घुंगरे वाले, हाय छप्पड़ बाजारू घिन्ना किनू आदा रस माया, तेनू भुले वंजना नहीं ओ साडे बस माया, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किसे नाले रुसड़ा के माया। हो मैं इत्ते ते ढोल डंडोते मेरे ढोल दे दिल्ली विच खोटे, ओ मैं इत्ते ते ढोल डंडोते मेरे माये दे दिल्ली विच खोटे, लंगी बाजारों घिन्ना हटियां तू रू माया, लोकां दियां सुन के तुसां बड़ा ले मूं माया, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किसे नाले रुसड़ा के माया। हो मैं इत्ते ते ढोल कराची सानू लपी हुई चीज गवाची, हो मैं इत्ते ते ढोल कराची सानू लपी हुई चीज गवाची, हाय लोए दा नलका लोए दा नलका पानी गेड़े खल खल के, सेहत वंजाई बैठा धिके सजना दे झल के, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किसे नाले रुसड़ा के माया। ओ मैं इत्ते ते ढोल चक्के वाले मेरे माये दे घुंगड़े बाले, हाय छप्पड़ बाजारू घिन्ना किनू आदा रस माया, तेनू भुली मंजना नहीं ओ साडे बस माया, छोड़ रोसेवे विचू प्या लभने के माया, चार डंगे जिंदगी किसे नाले रुसड़ा के माया। हाँ तुम न हो साथ तो जिए कैसे, अरे हम तो जिंदा हैं आप ही के लिए, जाने मल जाने जान वफा की कसम, दिल धड़कता है आप ही के लिए, आप की मांग में सितारे हैं, आप की मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं
रोशनी के लिए दिल लगाया था, दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए दिल लगाया था, दिल लगी के लिए मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। लोग कहते हैं मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। मैं तो आवारा हूँ, दीवाना हूँ, सौदाई हूँ, चलती फिरती रुसवाई की रुसवाई हूँ। है सांस लेना मुझे, सांस लेना मुझे दुश्वार है, आखिर क्यों है। मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। खुदकुशी के लिए हर रोज जहर पीता हूँ, सब की सुन लेता हूँ, दुख सहता हूँ और जीता हूँ। है मोती भी मुझसे, मोती भी मुझसे शर्मसार है, आखिर क्यों है। मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है, आखिर क्यों है। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अरशद भाई, ये बताएं आपने इसमें शुरू से आखिर तक, क्योंकि बीच में काफ़ी हमने स्किप किया, क्या आपने इसमें स्टार्ट से लेके अब तक डाला है, रेसिपी क्या थी इसकी? स्टार्ट में इसमें हल्का सा प्याज डाले, ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, उसके बाद इसको गोश्त को डाले इसके अंदर, गोश्त जब गल गया तो उसके बाद हमने फिर टमाटर डाले, टमाटरों के साथ मसाला भी डाल दिए, उसके बाद हमने सबसे लास्ट में जो है ना ऑयल डाला इसके अंदर। स्टार्ट में ऑयल नहीं डाला था? नहीं, स्टार्ट में बिल्कुल कम डाला था। अभी अपनी पोजीशन में गोश्त आ रहा है, मटन अपनी पोजीशन में आता जा रहा है, अभी ये ब्राउन होता जा रहा है और गोश्त जो है ना मटन से बैठ, ये अपना ऑयल छोड़ रहा है, लेकिन ऑयल हमारा छोड़ देगा तो ये बिल्कुल तैयार है। डिश हमारे जी खैबर पख्तूनख्वा की डिश है ये। आज हमारे सिंध के लोग भी बैठे हुए हैं, और हमारे चकवाल के लोग भी बैठे हुए हैं, चरखला के लोग हैं, मदना के लोग बैठे हुए हैं, बड़े दूर दूर के लोग आए हुए हैं यहाँ।
पीटीआई के हमारे भैया भाई काउंसलर, वो भी इस महफिल में शरीक हैं आज। और क्या नाम है, अंजुम भाई आए हुए हैं सबके दुख दर्द बांटने के लिए। मोहसिन भाई आप बताएं, ये भी आपने कढ़ाई, लाला ने मटन कढ़ाई खिलाई है, कैसी लगी? मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि एक तो सहूलत ना होने के बाद भी इतना टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अंजुम भाई आप बताएं कैसी टेस्ट, ये कितना बहुत मज़ा। लाला भी जो है माशाल्लाह चाय बना रहे हैं, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, लाला अरशद अभी चाय बन रही है वहाँ पर, स्पेशल कोयला चाय। शेजी भाई ज़रा बताएं खाना कैसा? शाहिद भाई, नासिर भाई, माशाल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह पाक बड़ा मज़ा बनानी चाहिए। चाय बना रहे हैं इधर पाकिस्तान में, खाना और खाने के ऊपर चाय जो है वो एक लाजमी जुज़ है। तो हम पीते हैं चाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।